बिहार की सियासत में अभी तीन मुद्दे काफी गर्माए हुए हैं। इनमें जातीय जनगणना, आरसीपी सिंह और राष्ट्रपति उम्मीदवार, इन तीनों में से सबसे ज्यादा राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सियासी हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार को लेकर हल्ला जोरों पर है। ऐसे में एक बार फिर से सियासी गलियारे में कई तरह के सवाल तैर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? क्या बिहार राजेंद्र बाबू के बाद दूसरा राष्ट्रपति देगा? यदि इसका उत्तर हाँ है तो अगला सवाल ये उठता है कि तब बिहार की सत्ता किन के हाथों में रहेगी, किनकी झोली में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल तो यह भी है कि आखिर कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना चाह रहे हैं? आरजेडी के लोग हैं या फिर बीजेपी के लोग हैं या जेडीयू के भीतर के लोग जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के सत्ता से बाहर चले जाएं, तभी दूसरे लोग उनकी गद्दी पर बैठ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में मौजूद हैं, तब तक बीजेपी के हाथ में सीएम की कुर्सी नहीं आ सकती। आरजेडी के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे तभी तेजस्वी यादव के हाथ सीएम की कुर्सी लग जाएगी। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जेडीयू के अंदर भी एक बड़ा घड़ा है जो नीतीश कुमार की जगह लेना चाहता है। दरअसल देश में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान दो दिन पहले ही हो चुका है। 15 जून को इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। 29 जून तक नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे। 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। उसी शाम को रिजल्ट भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि 24 जुलाई को कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह कौन लेगा। लेकिन इसे लेकर बिहार में हलचल तब मच गई जब नीतीश कुमार की ही बिरादरी से आने वाले ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। मंत्री ने कह दिया कि नीतीश कुमार भले ही राष्ट्रपति के दावेदार ना हो, लेकिन उनमें राष्ट्रपति बनने के सारे गुण और सारी काबिलियत है। एक चैनल से बात करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार के पास देश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने वाली सोच है। वे सर्वगुण संपन्न हैं और अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो पूरे बिहार को खुशी होगी। अगर नीतीश कुमार को मौका मिलता है तो वह क्यों पीछे हटेंगे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहकर सारे कयासों पर विराम लगा दिया कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के दावेदार नहीं। आपको यह भी पता होगा कि इसी साल फरवरी महीने में नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने को लेकर खूब सियासी शोरगुल हुआ था। दरअसल तब दिल्ली में नीतीश कुमार की प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात हुई थी। हालांकि कहा गया था कि इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले, लेकिन चर्चा करने वाले इसे थोड़े ही मानते हैं कि दो नेताओं की मुलाकात हो और दोनों के बीच कोई पॉलिटिकल बातचीत ना हो यह असंभव है। तब यह भी हवा दी गई थी कि प्रशांत किशोर महागठबंधन की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। तब बीजेपी की ओर से इस पर चुटकी भी ली जाने लगी थी। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इन अटकलों को एक सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार तो जेडीयू ने ही राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की हवा दे दी है। फिर आगे क्या, तो क्या सच में नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे? क्या बिहार इतिहास रचने जा रहा है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। और फिर नीतीश कुमार तो चौंकाने वाले फैसले लेने में माहिर हैं। वे अपने फैसलों को विरोधियों को ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी दलों के साथ अपने पार्टी के लोगों को भी चौंकाते रहते हैं। अब कौन जानता था कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देंगे? यह भी कोई नहीं जानता था कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा का टिकट ही नहीं देंगे, वह भी तब जब इसी टिकट की वजह से उनकी केंद्रीय मंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। उनका कार्यकाल अगले माह 6 जुलाई तक है, यानी कि पीएम यदि नहीं चाहे तो वे 7 जुलाई से पैदल हो सकते हैं और प्रधानमंत्री की मेहरबानी हुई तो बिना सदस्य बने ही 6 महीने तक मंत्री की कुर्सी पर रह सकते हैं। आरसीपी सिंह के अलावे राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार ने चौंकाने वाले फैसले लिए। 2012 का राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर 2017 का राष्ट्रपति चुनाव हो, दोनों ही मौके पर नीतीश कुमार ने चौंकाने वाले निर्णय लिए थे। पहले आपको 2012 के चुनाव में ले चलते हैं। 2012 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में यूपीए ने प्रणब मुखर्जी तथा एनडीए ने पीए संगमा को अपना उम्मीदवार बनाया था। उस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी नाराजगी चल रही थी।
तब उन्होंने एनडीए में रहते हुए प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया था और इसी तरह प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बने। इसी तरह के चौंकाने वाले फैसले नीतीश कुमार ने 2017 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी लिए थे। 2017 में एनडीए ने रामनाथ कोविंद को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि यूपीए ने बिहार के ही रहने वाली पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए उतारा था। खास बात कि उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, उसके बाद भी उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था। तब पॉलिटिकल कॉरिडोर में कहा गया था कि आरजेडी से जेडीयू के रिश्ते खराब हो गए थे। बाद में यह भी दिखा कि 2015 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, फिर 2017 में एनडीए की सरकार आ गई। यदि वोटों की गिनती को देखें तो आज की तारीख में सभी राज्यों में कुल 4,790 विधायक हैं। उनके वोटों का मूल्य 5,42,306 होता है। इसी तरह सांसदों की संख्या 767 है, जिनके वोटों का कुल मूल्य 5,36,900 होता है। इसी तरह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट लगभग 10,80,000 के आसपास चाहिए। वर्तमान में एनडीए के पास 5,26,000 से अधिक वोट है, जबकि यूपीए के हिस्से लगभग 2,60,000 वोट है। वहीं अन्य विरोधियों में तृणमूल कांग्रेस, YSRCP, BJD, SP और लेफ्ट के पास लगभग 2,93,000 वोट है, जबकि इसमें जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के वोट को एनडीए फिलहाल अपना वोट मान रहा है और बीजेपी का पूरा फोकस फिलहाल YSR कांग्रेस और बीजू जनता दल यानी कि BJD पर है। अगर YSRCP या फिर BJD का समर्थन मिल जाता है तो एनडीए उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ हो जाएगा, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वर्तमान में 16 सांसद, 5 राज्यसभा और 45 विधायक हैं। इस तरह जेडीयू के वोटों का मूल्य 22,653 होता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यदि जेडीयू कहीं पलट गया तब क्या होगा, इस स्थिति पर भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की नजर बनी हुई है। वहीं आरजेडी हो या फिर बीजेपी, मन ही मन में पुआ पकाने में मशगूल है। दोनों ही दल चाहते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाए। यह बिहार के लिए गौरव की बात होगी, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसके पीछे मायने को तलाशने में जुट गए। वे ये मानते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाएंगे तभी आरजेडी और बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता साफ होगा, लेकिन इस बार जेडीयू की ओर से राष्ट्रपति बनने की बात ने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को जरूर चौंका दिया है। बहरहाल अब जेडीयू इस पर सफाई भी दे रहा है। उनके नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार न राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं और न ही उम्मीदवार बनेंगे। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसके आगे की रणनीति देख रहे हैं। ऐसे में कम से कम 29 जून तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रत्याशी कोई भी हो, राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की जीत का रास्ता बिहार से होकर ही जाएगा और इसमें नीतीश कुमार निर्णायक भूमिका में रहेंगे। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।